हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 यूपीएससी और पीसीएस 2022 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला प्रश्न, समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट समुद्रगुप्त के विषय में सही है। दूसरा, उन्होंने अपनी शाही संप्रभुता को साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और सोने के सिक्के जारी किए। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ पर उल्लिखित समुद्रगुप्त की सैन्य विजय के बारे में लिखा। जी हाँ, तीसरा स्टेटमेंट भी सही। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, सही विकल्प ऑप्शन ए है। यहाँ पर तीनों ही सही है। दूसरा स्टेटमेंट या क्वेश्चन, आधुनिक दास्ता या मॉडर्न स्लेवरी पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने डर्टी लिस्ट को एक तंत्र के रूप में अपनाया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी डेनमार्क। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी ब्राजील ने आधुनिक दास्ता या मॉडर्न स्लेवरी पर अंकुश लगाने के लिए डर्टी लिस्ट कंपनियों के लिए जारी किए हैं। तीसरा प्रश्न, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, यह पूर्वी यूरोप और एशिया में एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, इंडिया भी संगठन का सदस्य देश है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर सदस्य नहीं है। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी केवल ए और बी ही सही है क्योंकि इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मेंबर नहीं है। चौथा प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद उनके हाथ और मोहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। सीएजी डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बी, नरहरी राव ने स्वतंत्रता के बाद 1948 से 54 तक पहले सीएजी के रूप में कार्य किया। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, यह भारतीय संविधान में उल्लिखित संविधानिक पद है। जी हाँ, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कि अंडर आर्टिकल 148 में दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना था। ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा ही सही है। पांचवा प्रश्न, कांगेर घाटी या घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भारत के सबसे घने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह पार्क छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी का घर है जिसे कॉमन बस्तर हिल मैना या हिल मैना या मैना बर्ड कहा जाता है। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही। यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन डी। यहाँ पर कोई भी विकल्प गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ आवर लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब हिंदी चैनल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव।